Assalamu alaikum everyone, what's up? I hope so you all are doing well. Welcome back to my YouTube channel and as well new YouTube video. So viewers, alhamdulillah, shukar alhamdulillah, aaj 14th roza hai aur mashallah se maine sare roze rakhe hain aur umeed hai ki aap sabne bhi sare roze rakhe honge. To aaj ki video bhi maze ki hone wali hai pehle ki tarah. So like, comment, save and share and must subscribe. First of all, go and subscribe to my channel. Just press the bell icon so that you can get notifications of my new videos. तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और मज़े की बातें करेंगे. Let's start. So अब मैं अब्दुल वासी के साथ बैठी हूँ. अब्दुल वासी हाई कर दें. Hi. अच्छा अब्दुल वासी, आपने कितने रोज़े रखे हैं? एक, दो, तीन. तीन रोज़े रखे हैं. अच्छा, और आपको इफ्तारी करने में मज़ा आता है? हाँ जी, मैं पानी पीता हूँ. अच्छा, मतोड़े खाते मतोड़े खाते हो? पकौड़े 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 खाते हैं. अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? पकौड़े और पानी. पानी कौन सा, जामी शीर पसंद है या टैंक? और आपको खाने में क्या पसंद है? आपको फ्रूट चाट पसंद है? नहीं, पानी. अच्छा, नहीं खाने में, वो तो पीने में पानी है ना. खाने में क्या पसंद है जल्दी बताएं. आप अपने बाल सेट ना करो ना, आप बताओ आपको क्या पसंद है खाने में. पकोड़े, दही भले, चना चाट, जो जामाशीरी वाला पानी. अच्छा, वो तो पानी है ना. आपको खाने में क्या पसंद है जो मैं बोल रही हूँ? दही भले, फ्रूट चाट, चना चाट, पकोड़े या कुछ और? मुझे पसंद है मतोड़े. पकोड़े, मतोड़े नहीं होते, पकोड़े होते हैं. अच्छा बात, दोबारा से. अच्छा, आपको क्या पसंद है? पकोड़े. पकोड़े. और उसके बाद फ्रूट चाट. फ्रूट चाट कैसी होती है? अच्छी होती है. अच्छा, और जो मैं रोल और समोसे बनाती हूँ वो? वो चलते हैं ऊपर बैठने. अच्छा, इधर आए ना, इधर आए, जल्दी बैठे हैं. कल मैंने सैंडविच बनाए थे, वो मज़े के थे ना? हाँ जी, फिर बनाना. फिर बनाऊँ? अच्छा, आप खाएंगे ना? अच्छा, अब्दुल वासी को जाना है तो मैं आखिरी क्वेश्चन पूछ लूँ कि आपको मेरे हाथ की चीज़ें पसंद हैं? सच में पसंद है? अच्छा, और अब वासी अपने बाबा के पास जा रहे हैं ना? बाबा के पास जाने वासी ने, तो बाय बाय कर दे. बाय बाय. बाय बाय. ओके, सो अब है मेरे साथ तैबा. तैबा, आपने कितने रोज़े रखे हैं? अच्छा, सबसे पहले हाय कर दें. हाय. अच्छा तैबा, अब बताएं आपने कितने रोज़े रखे हैं? बाय बाय. एक दिन. ओह, अच्छा चलिए ठीक है. अभी तैबा छोटी हैं, जब तैबा बड़ी होंगी तब रखेंगी. अच्छा तैबा, वैसे आपको अफ्तारी में क्या पसंद है? सैंडविच. सैंडविच, अच्छा जो मैंने बनाए थे उनका टेस्ट कैसा था, सबको बताएं. बहुत अच्छा. बहुत अच्छा था ना. अच्छा, और उसके बाद आपको क्या अच्छा लगता है? पकौड़े, दही भले, फ्रूट चाट, चना चाट या समोसे, रोल, क्या पसंद है आपको? रोल. रोल जो मैं बनाती हूँ या बाहर के? जो आप बताती हैं. जो मैं बनाती हूँ. अच्छा, और तैबा को टैंग पसंद है या जामी शीरी, रू अफ्ज़ा? मुझे दोनों ही पसंद है. दोनों पसंद है, फिर भी कोई एक होगा जो ज़्यादा पसंद होगा. टैंग. टैंग कौन सा फ्लेवर? मैंगो. अच्छा ठीक है जी, चलिए अब इनसे बातें करके अब चलते हैं. अफ्तार का वक्त होने वाला है तो मैं अब थोड़ी प्रिपरेशंस कर लूँ. अभी असर की नमाज़ पढ़ी थी और उसके बाद अब करते हैं प्रिपरेशंस, क्या होता है अफ्तारी की, और देखते हैं कि आज क्या बन रहा है. अच्छा, मैं ना वो बना रही हूँ पोटैटो सैंडविचेस फ्राइड ना, तो उसकी रेसिपी छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी, वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ. और वो आपने ट्राई ज़रूर करनी है और मुझे फिर ट्राई करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वो कैसे थे. आपने सबसे पहले बॉयल पोटैटोस लेने हैं, बॉयल करके उसके अंदर आपने चॉप अनियंस जो होते हैं वो लेने हैं, वो मिक्स करने हैं. फिर उसके अंदर आपने ग्रीन चिली और धनिया या पुदीना जो भी है वो मिक्स कर दें, और अंदर
जायके के हिसाब से, मतलब आपके जितना टेस्ट हो उतना आप ब्लैक पेपर डाल दें और नमक डाल दें, फिर उनको आप अच्छी तरह मिक्स कर दें। फिर आप इस तरह ब्रेड के स्लाइसेस लें, सिंपल ब्रेड जो होती है उनके स्लाइसेस लेके और फिर उनके ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर दें, लगा दें। ये हमारा स्टेप हो गया कम्प्लीट। अपने अच्छे तो मैंने दो एग्स ले लिए हैं और इनको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि इनके अंदर हम डिप करेंगे और फिर उनको फ्राई करेंगे। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए आपने। तो मैंने उस वक्त उनको एग के अंदर डिप करके अब फ्राई करने के लिए रख दिया है। और ये देखिए वन साइड ब्राउन हो गई है, लाइट ब्राउन। और अब दूसरी साइड जहाँ पर हमने मसाला लगाया था वो फ्राई हो रही है। और फिर मैं इनकी फ़ाइनल लुक भी करूँगी। इस तरह सारे हम आहिस्ता आहिस्ता फ्राई कर लेंगे और फिर मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊँगी। आज में पकौड़े फ्राई हो रहे हैं दूसरी कढ़ाई में जो मम्मा कर रही हैं, और मैं इधर सैंडविचेस कर रही हूँ। तो जी, इधर अफ्तारी का वक्त होने वाला है तो मम्मा और ज़ैनब अफ्तारी बना रही हैं किचन में। तो मैंने कहा कि मैं क्यों ना ब्लॉग थोड़ा सा शूट कर लूँ। तो मैंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा सा सामान करके मैं दस्तरखान पे लगाऊं। तो मैं आपको दस्तरखान पे जब सब कुछ लग जाएगा तो मैं उसकी आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो जी, आप इधर देख सकते हैं, इधर मैंने दही फुल्की बनाई है और आप देख सकते हैं इट्स लुकिंग टू यम्मी। तो जी, मुझसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है कि मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की, इसके लिए सॉरी। और जब भी मैं नेक्स्ट टाइम इसकी ये बनाऊंगी तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। सो ये हमारे मज़े मज़े के फ्राइड पोटैटोज सैंडविचेस रेडी हो चुके हैं और आई होप कि ये अच्छे लग रहे होंगे। और आपने ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि कैसा टेस्ट था। और कल मैंने बनाए थे और आज दोबारा अब्दुल वासी की फरमाइश पर बनाए थे। उसमें ने भी ब्लॉगिंग की थी और आई होप कि आपको उसका पार्ट भी अच्छा लगा होगा। सो अब अफ्तारी का वक्त होने वाला है और अब हम सब अफ्तारी के लिए दस्तरखान में बैठ रहे हैं और आप भी अफ्तारी कीजिए। तो हमने नमाज भी पढ़ ली और अफ्तारी भी कर लिया और मैं अब एंडिंग करूँगी। बट एंडिंग करने से पहले आज मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे थी मीरब की। So happy birthday Meerab, many many happy returns of the day, may you have wonderful life ahead. Okay, so ab ending karte hain, like, comment, save and share. We'll see you in next video. Till then, Allah Hafiz. Like, comment, save and share. And share. Allah Hafiz. Allah Hafiz.